हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड से जो चीज़ हमें चाहिए वो कैसे हमें मिल सकती है और सबकॉन्शियस माइंड को कैसे हमें एक्टिव करना है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है वाणी, शब्द या फिर हमारे बोल। अगर अपने शब्द या अपने वाणी शुद्ध हो, अगर वो अंतर्मन से आए तो जो चीज़ हमें चाहिए वो हमें मिल जाती है। प्राचीन कालों से एक बात हमें बताई जाती है कि छोड़ी हुई तीर और बोली हुई वाणी वो फिर से वापस नहीं आती। इसी तरह से अगर आप अंतर्मन से किसी चीज़ का अगर आप मन ही मन चाहो या फिर उससे बात करने की कोशिश करो तो जो चीज़ आपको चाहिए वो मिलती है। उसे हम एक उदाहरण के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। एक बहुत ही पुरानी बात है, एक बार एक गांव में एक लड़की रहा करती थी। उसकी वाणी इतनी मधुर थी कि लोग उसके वाणी सुनकर मंत्रमुग्ध हुआ करते थे। वो हर एक से अच्छे तरह से बात किया करती थी। एक बार वो एक दुकान के सामने से गुजर रही होती है तो अचानक दुकान में देखती है कि एक बैग आया होता है। वो अंदर जाके देखती है और उसे बहुत जो बैग है वो उसे बहुत पसंद आता है और उसे वो लेने के लिए दुकानदार से उसका दाम पूछती है। दुकानदार ने जब दाम बताया तो वो दाम सुन के हैरान हो जाती है क्योंकि वो बहुत महंगी होती है। लेकिन उस दुकानदार से वो कहती है कि भाई जी, ये जो बैग है ये मेरी है और मैं इसे कुछ दिनों में खरीद के ले जाऊंगी। दुकानदार भी कहता है कि आपको अगर पसंद आया है तो आप इसे लेके जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कुछ ही दिनों बाद उस लड़की का बर्थडे होता है और बर्थडे में बहुत सारे उसके फ्रेंड्स आते हैं और बहुत सारे उसे गिफ्ट्स मिलते हैं। एक गिफ्ट ऐसे ही जब वो खोलती है तो उसमें दिखाई देता है कि जो बैग उसे पसंद था वो बैग उसमें होता है। उसे आश्चर्य लगता है और पता भी चलता है कि उसने शुद्ध अंतकरण से, शुद्ध वाणी से उस चीज़ को मांगा। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड ने उसे उस चीज़ से मिलवाने के लिए प्रयास किया और वो चीज़ उसे मिल गई। ये लक फैक्टर नहीं है,